हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आपका होम कुकिंग में स्वागत है। आज हम बनाएंगे कटहल की सब्ज़ी, जो बहुत ही आसान तरीके में हम बनाएंगे। बहुत इजी है और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है आपको। आइए चलिए पहले अपने मसाले रेडी कर लेते हैं। हम कुछ लहसुन की कलियाँ ले लेंगे, मिर्च ले लेंगे, धनिया पत्ता का डंठल ले लेंगे, अदरक ले लेंगे और कुछ अपने खड़े मसाले ले लेंगे। और इनको इस मसाले जो है इसको हमको कैसे डालना है मैं आपको बाद में बताऊँगी। अब हमें लेना है एक और प्लेट, जिसमें हमें 3 प्याज काट करना है और 2 टमाटर और कुछ धनिया पत्ता और लहसुन की पत्ते। आइए हम इसको भी रेडी करते हैं। अब हम कुछ मसालों का पेस्ट बना लेंगे। एक बॉल लेंगे जिसमें हम डालेंगे 1.5 चम्मच जीरा, चार लाल मिर्च और इसका हम लोग पेस्ट बना लेंगे। देखिए हमारा पेस्ट बन के रेडी हो गया है अच्छे तरीके से। एक ऐसा बर्तन लेंगे और उसको गैस पर रखेंगे गर्म होने के लिए। फिर हम इसमें पानी डालेंगे, नॉर्मल वाटर डालना है हमें। पानी को 5 मिनट तक गर्म करना है। एक ऐसा बॉल लेंगे और उसमें कुछ मसाले रेडी करेंगे। 2 काली मिर्च कुटी हुई, 1/2 चम्मच टर्मरिक हल्दी पाउडर, 1 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच मिक्स कर देंगे और इसको बॉयल होने के लिए 5 मिनट तक के लिए हमने इसको छोड़ देंगे। ठीक है, देखिए हमारा पानी अच्छे से बॉयल हो गया है। अब इसमें हम अपने कटहल और आलू को डाल देंगे। इसमें बॉयल होने के लिए हमें इस कटहल और आलू को 10 मिनट तक अच्छे से पकाना है इस बॉयल हुए पानी में। ठीक है, हाँ जी। देखिए हमारा कटहल कितने अच्छे से बॉयल हो गया है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसको निकाल। अब हम गैस के ऊपर कुकर रखेंगे और उसमें तेल डालेंगे और तेल को अच्छे से हमें गर्म होने देना है। जब तक तेल पूरे अच्छे तरीके से गर्म नहीं होगा तब तक हमें उसमें नहीं डालना है। हमें इसमें अपने कटहल और आलू को फ्राई करना है, लाइटली फ्राई करना है। देखिए हमारा अच्छे से ये तेल गरम हो गया है, चारों साइड से आप देख सकते हैं कितने अच्छे से गलम गरम हो गया है ये। अब हम इसमें अपना कटहल और आलू डालेंगे। अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे लाइटली हाथों से, हाई फ्लेम पे हमें ये भूनना है। मैक्सिमम आपको 5 मिनट तक इसको भूनते रहना है, इसको ढकना नहीं है। अच्छे से ऐसे चला चला के आपको भूनना है हल्के हाथों से। आप जोर से करेंगे तो ये टूट जाएगा। देखिए कितने अच्छे से भुन रहा है, आप देख सकते हैं साइड साइड से कैसे कहीं भी चिपका हुआ नहीं है, आपको देखने में आ रहा होगा। अब हम इसको बाहर निकालेंगे एक प्लेट में और ये जो हमारा जो तेल बचा हुआ है इसे वेस्ट नहीं करेंगे, इसमें अपने खड़े मसाले को डालेंगे। पहले हम थोड़ा सा जीरा डाल देंगे, फिर हम अपनी कटी हुई अदरक डालेंगे, अब हम अपने खड़े हुए मसाले डालेंगे, इलायची है, दालचीनी है और 2 काली मिर्च डाल देंगे। अब हम लहसुन को डालेंगे, जो हमने लहसुन की कलियां निकाली थी वो हम डालेंगे। अब इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे इसको अच्छे से भुन जाने के लिए। इसको हल्का हल्का ऐसे चला देंगे।
अब इसमें हम दो लवंग डाल देंगे। अब हम अपनी कटी हुई प्याज डालेंगे इसमें, तीनों जो कटी हुई प्याज है हमारी वो तीनों डाल देंगे इसमें। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। देखिए हमारा प्याज भी, प्याज को हमें बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है क्योंकि इसको जब हम उबालेंगे तो ये अच्छे से बॉईल नहीं होगा। अगर अच्छे से भुन जाएगा तो इसको वो ऐसे भुनना है, ऐसे ब्राउन करना है कि लाइटली ब्राउन हो, ठीक है। इसमें हम मिर्ची डाल देंगे, अदरक का पेस्ट डाल देंगे और वो जो हमने लहसुन के पत्ते काटे थे वो भी डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। आपको मीडियम फ्लेम पर ये करना है, हाई फ्लेम पर नहीं करना है, नॉर्मल मीडियम फ्लेम जो होता है उस पर आपको करना है। अब जो हमने मसालों का पेस्ट बनाया था उसमें कुछ और मसाले ऐड कर लेंगे। हम 1.5 चम्मच गरम मसाला पाउडर लेंगे, नमक स्वाद अनुसार लेंगे। नमक इतना कम इसलिए क्योंकि हमने पहले से कटहल को बॉईल करने के टाइम पे नमक डाला था, नमक और टर्मरिक। टर्मरिक भी कम इसीलिए है, हमने वो वाटर को वेस्ट नहीं करना है। वो वाटर जो हमारा टर्मरिक और नमक का है उसे हम यूज़ करेंगे। थोड़ी सी ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है इसको भी मिक्स कर देंगे। देखिए हमारे मसाले बनके रेडी हो गए हैं। देखिए तब तक हमारे ये प्याज भी अच्छे से भुन गए हैं, हमें जितना भुनना चाहिए उस तरीके से ये भुन गए हैं। आप देख सकते हैं इसको, हमें इसको ब्राउन बहुत ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि इसको गलाने के टाइम पे इससे प्रॉब्लम होगी, इसलिए हमें इसको ऐसे ही ब्राउन करना है, ठीक है। इतना लाइट ब्राउन आपको करना है। अब हम इसमें अपने वो टमाटर डाल देंगे जो हमने काटे हुए थे, दो टमाटर है, इसको भी मिक्सअप कर लेंगे अच्छे तरीके से। देख सकते हैं आप हमारे मसाले अच्छे तरीके से भुन गए हैं। देखिए साइड साइड से ऑयल निकल रहा है। अब हम इसमें अपने मसाले का पेस्ट डाल देंगे और पेस्ट डालने के बाद हम लिटिल बिट वाटर डाल देंगे इसमें। अब इसको अच्छे तरीके से हम मिक्सअप कर लेंगे। इसको हमको मीडियम हाई फ्लेम पे भुनना है, आपको अच्छे तरीके से भुनना है। 5 मिनट तक आप इसको भुनोगे तो अच्छे तरीके से पक जाएगा, हमारा मसाला कच्चा नहीं रहेगा। अब देखिए चारों तरफ से मसाले अच्छे तरीके से हमारे भुन गए हैं। अब देख सकते हैं साइड से ऑयल निकल रहा है। अब हम अपना साल्ट और टर्मरिक का जो हमारा पानी था वो उसमें हम इसमें डाल देंगे। 2 कप हमें पानी डालना है। इसको अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इस कुकर को ढक्कन को बंद कर देंगे। हमें एक हाई फ्लेम पे 1 सीटी दिलवानी है, हाई फ्लेम पे, क्योंकि हमारा कुकर 1 सीटी दे दिया है। अभी हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसको इस स्टीम को हमें बाहर नहीं निकालना है, इसे अपने आप खुलने देना है। तो हम इसे 5 मिनट या 6 मिनट रेस्ट पे रखेंगे, अपने आप खुल जाएगा। देखिए अब देखिए हमारे मसाले कितने अच्छे तरीके से पक गए हैं। अब हम इसको क्या करना है, हमें लाइटली हाथों से इसे मिक्सअप करना है, मैश कर देना है धीरे धीरे करके। आप 5 मिनट तक ऐसे करोगे ना ये सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। देखिए 5 मिनट हो गया, ये देखिए मेरे मसाले कितने अच्छे तरीके से प्यूरी बन गई है, आप देख सकते हैं चारों तरफ से। अब हम इसमें अपने प्यूरी में डालेंगे अपना कटहल और वो जो आलू है जो जिनको हमने भुना हुआ था उसको हम डाल देंगे इसमें। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा नॉर्मल वाटर डाल देंगे, लिटिल बिट।
मिक्स कर लेंगे। अब हम कुकर के ढक्कन को बंद कर देंगे। आपको मीडियम लो फ्लेम पे इसको एक सीटी दिलवानी है, मैक्सिमम आपको 7 से 8 मिनट लगेगा एक सीटी दिलवाने के लिए। देखिए मेरे 5 से 6 मिनट हो गए हैं, 7 से 8 मिनट हो गए। देखिए अब हमारे कुकर ने एक सीटी दे दी है। अब हम गैस को ऑफ़ कर देंगे, नहीं निकालेंगे अपने आप खुल जाएगा। देखिए हमारी कटहल की सब्ज़ी बनके रेडी हो गई है। कहीं से कोई कटहल हमारा टूटा नहीं है, आप देख सकते हैं, और अच्छे तरीके से पक भी गया है। देख लीजिए इसको मिक्स कर लेंगे ऐसे, चारों तरह से मिला लेंगे। अब इसमें हम अपनी कटी हुई धनिया पत्ता डाल देंगे अच्छे तरीके से चारों साइड में सकते हैं। अब हम इसको एक बॉल में निकाल लेंगे और सर्व करेंगे। देखिए हमारी कटहल की सब्ज़ी कितने अच्छे तरीके से बन के आई है। आप इसको इजी तरीके से अपने घर में आराम से बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कोई अच्छी सी रेसिपी के साथ। थैंक यू।